देखो, वेलोसिटी इज गिवन 1/100 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच अपॉन एमवी, मास दे रखा है 1 मोल प्रोटॉन का 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को पहले तो केजी में कन्वर्ट किया, दिस इज द मास फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो एक प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, 1 केजी, सॉरी 10^-3 केजी डिवाइडेड बाय एनए, दिस विल बी द मास ऑफ 1 प्रोटॉन. तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1.67 × 10^-24 kg, क्लियर, −27 kg, वहां से भी सेम ही वैल्यू आएगा ना, और वेलोसिटी ये लिख दिया, सॉल्व कर लेना इसके बाद. चलो मैं एक रफली सॉल्व भी करके बताता हूँ, −34 + 23, सो −34 + 23 हो जाएगा −11, ये ऊपर गया −17, 6/3, 2, 6.6 × 2, ये हो जाएगा 13.2 × 10^-17, roughly 10^-17, −3 इंगस्ट्रॉम, कुछ तो गलत किया है हमने कैलकुलेशन में. मास 1 मोल हैज 1 ग्राम, 1 ग्राम लिया, 3 × 10^6 आ गया, −34, ये हो गया −40, −40, −17, क्या कुछ भी तो गलत नहीं किया हमने, −7 एंगस्ट्रॉम आएगा. वन ग्राम केजी में कन्वर्ट किया है, 6.6 × 10^-34 ले लिया है, कुछ भी गलत नहीं किया, आंसर गलत दे रखा है क्या इसका, किसी का आंसर सही आया है इसमें, उन्होंने −27 में दे रखा है, बट वो ठीक है, सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट में तो यही होगा, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट, आंसर इस एनी ऑप्शन इज नॉट मैचिंग, नन ऑफ दिस होगा इसमें, इन्होंने शायद वो −27 लेके सॉल्व किया है, आई डोंट नो क्या किया है. सर वहां पे ना प्रोटॉन का मास लेके फाइंड किया है, प्रोटॉन का ही मास लेके कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ है तो मैंने भी प्रोटॉन का ही है, वही बात है, बताओ कितना होता है प्रोटॉन का मास, 1.6 × 10^-27 वेलोसिटी 3 × 10^6, ठीक है इतना. अब −27 + 6, ये हो जाएगा −21. हाँ यहां से तो आ रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया था, अच्छा मैंने 10^-3 को कंसिडर नहीं किया था डिनोमिनेटर में ना उस टाइम, शायद वो कैलकुलेशन मैंने मिस कर दिया था. यस सर, आपने उसका कैलकुलेशन ही नहीं किया, वो मिस कर दिया, −3 को कंसिडर ही नहीं किया था, 6.6 × 10^-34, यहाँ पे आ जाएगा मास विच इज 10^-3 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, वेलोसिटी 3 × 10^6, मैंने इस −3 को तो मिस ही कर दिया था, ठीक है अब आ जाएगा −3 + 6 + 3 हो जाएगा +20 − 34, 10^-14 आ रहा है, सो 13.3 रफली 10^-14 मीटर, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे −4 एंगस्ट्रॉम, अब ऑप्शन मैच कर रहा है इसका,
माइनस 3 टू 13 ठीक है, तो 1.33 सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है. सेकंड ऑप्शन इज दैट ओके. सिक्स क्वेश्चन. यस सर. E7 डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक मिनट. अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√3 के. नाउ इन E7 λ1/λ2 one electron is accelerated to 50 volt, another by 200 volt. So λ2 is 200 volt, λ1 is 50 volt. λ1 V1, λ2 V2, under root mein. 2:1. Answer for 7th question. Haan, bolo. Kaun kya bol raha tha? Very Sunday, humara jo meter se jo kya hai? Humara kya hai? मेजर टेस्ट सर बोले थे 720 मार्च के लिए. किस डेट पर है? 18 को सर, इस संडे को. 18 संडे को है. अच्छा, तो यदि संडे को टेस्ट है वो, तो हमारा क्या हुआ है वैसे अब तक? आई थिंक वी हैड डन ओनली विद वन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसके हम डाउट डिस्कस कर रहे हैं. पूरा बुकलेट भी डिस्कशन हो ही रहा है. तो फिर जो भी एक चैप्टर हुआ है वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट. डेफिनेटली फ्रॉम द लास्ट पार्ट विल हैव मोर क्वेश्चंस, बट हाँ पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चंस होंगे. E8 चलो. E8 लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एमवी. हीलियम का जो मास होगा यू जस्ट नीड टू टेक मास इन केजी. टेक एवरीथिंग इन एसआई यूनिट. इसको मीटर पर सेकंड में लिया है 2.4 × 10^2 240 मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट. 4 ग्राम्स इसका एक मोल का मास होता है. क्लियर? हमें यहाँ पर ये भी तो है एमवी. क्वेश्चन नंबर 5E8 हमें इसको केजी को मतलब इसका मास होगा. मास ऑफ 1 हीलियम 4 × 1.67 × 10^-27 केजी देन 240. सो मास ऑफ 1 हीलियम एटम 4 ग्राम होता है. एक बेसिकली एक एटम का मास देखेंगे 4 amu. amu को kg में कन्वर्ट कर दो. 1 amu is 1.67 × 10^-27 kg. मास ऑफ 1 प्रोटॉन इन kg. 1 amu मास ऑफ 1 प्रोटॉन बोथ आर सेम. तो कन्वर्ट किया वेलोसिटी 240 लिखा.
सॉल्व कर लेना इसके बाद। E टेन E इलेवन दोनों में सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा, n लैम्डा इक्वल टू 2πr। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन n ऑर्बिट तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। n r को लिख सकते हैं r नॉट n स्क्वायर बाय j, 1 n विल कैंसिल आउट, लैम्डा आ जाएगा 2πr नॉट n बाय j। अब तुम्हें पूछा है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर 10, इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ व्हिच वन हैव द सिमिलर डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ n इज 2 z इज 3, तो 2 बाय 3 2 पाई आर नॉट तो सब में सेम रहेगा, जिस भी केस का n बाय z 2 बाय 3 आ गया वो आंसर हो जाएगा। चलो n बाय z निकाल लो फर्स्ट ऑप्शन में, n इज 3 z इज 1 नॉट मैचिंग, n इज 4 z इज 6 फॉर सेकंड ऑप्शन ये मैच हो रहा है, 4 बाय 6 इज 2 बाय 3 जो हमें दे रखा है आंसर 2, फिर 2 पाई आर नॉट सबके लिए सेम, n बाय z मैच करना है हमें बस। E11 सेम क्वेश्चन, तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, तो n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, फाइनली ये आ गया। आर नॉट का वैल्यू रखो, n का वैल्यू रखो, z का रखो, एवरीथिंग इन SI यूनिट, तुम्हारा आंसर आएगा मीटर में, ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट ओके अप टू E11? किसी को कोई डाउट E11 का? B13 B13 k max hc by lambda minus work function, Herschel, energy in electron volt, work function is given in electron volt. हो जाएगा भी क्वेश्चन Herschel? Yes sir. After B13 D12. D12 था पूजा का। We need to determine wave number for first line of Balmer series. R as it is for Li2+, Z is 1, Z is 3 for Li2+, lithium, first line of Balmer series 3 to 2. हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है बी बार आर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन इज गिवन, जेड इज 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, हमें हाइड्रोजन के लिए दे रखा है और Li2+ के लिए कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा व्हिच इज गिवन बाय रेडबर्ग इक्वेशन। चलो रेशियो ले लेते हैं दोनों का, आर कैंसिल, ये 1 स्क्वायर है ना, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ बचेगा 9/1. दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये बचा 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. एंड दिस वेव नंबर इज गिवन 15,200. आंसर इज आएगा 9 टाइम्स ऑफ 15,200. तो सॉल्व करने पे आएगा सेकंड ऑप्शन. रुक जाओ, 5 डिजिट. हाँ, सेकंड आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना. तुम जब उसे मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो एक और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज इट ओके पूजा? यस सर. G6. Number of angular node in 3D. 3D x, 3D y, z. In any d orbital, number of angular node. Number of angular nodes are given by L. L का value होगा 2 for d orbitals. D subshell के लिए L का value 2 होता है. Mahek, G6, is that okay? Yes, sir. उसके बाद था F11. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव दिस पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर. वन F14. हाँ, F11 किसका डाउट था? F11 जल्दी से अनम्यूट करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. काजल, काजल, F11 में हमें ऑल 4 क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं. वी हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स वैल्यूज N, L, M, H. सो इफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर गिवन, देन इट्स पॉसिबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन. इवन वी हैव पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और लास्ट क्वांटम नंबर. Two electrons, two or more than two electrons cannot have same value of all 4 quantum numbers. At least a quantum number different होगा यदि हम अलग-अलग electron की बात. हम देखो, हम जो quantum numbers से बताते हैं location of any electron. So पहला quantum number shell बताता है, दूसरा subshell, तीसरा orbital और fourth electron को denote करता है उस orbital में दो electron. उस normal से कौन सा है? यदि तुम्हें चारों quantum number दे दिए मतलब तो fix हो गया एक electron के लिए. Two or more than two electrons can't have same value of all 4 quantum numbers. एक भी अलग होता तो आंसर शायद 2F से ज़्यादा. Clear it? Yes sir. इसके बाद 14 किसका डाउट था? F14. श्रीनिवास कहाँ? ऋषिका, ऋषिका, आर यू देयर ऋषिका? ऋषिका कैन यू हियर मी? तुम्हारा डाउट था क्योंकि वो ऋषिका पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड, या तो अनम्यूट करो या चैट बॉक्स में लिखो. Can you hear me?
ठीक है चलो, इसके अलावा कोई और डाउट है तो अनम्यूट करके बता दो मुझे, क्योंकि वो सब मिक्सअप हो गए चैट बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। एनी अदर डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज वन? दिशा एनी अदर डाउट? ठीक है जी। सेवन फ्रॉम दिशा, द सम ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड्स इन 4dxy। सम ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड इज बेसिकली टोटल नोड, और टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस वन, ये आता है n माइनस एल माइनस वन प्लस एल से, सो n माइनस वन। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है 4d के लिए n का वैल्यू क्या है, 4, आंसर विल बी 4 माइनस वन 3 हो गया। इज दैट ओके? आंसर फॉर जी सेवन इज 3। देन एफ 11, F11 हो गया ऑलरेडी डिस्कस। E14, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। आंसर भी मीटर में दे रखा है, सॉल्व कर लेना। माइनस 24 और माइनस 25 के ऑर्डर में आएगा वैसे। 4 3 12 12 66, 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the power minus 25। थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? ये था E14। चलो एक्सरसाइज टू। नाउ यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज टू पार्ट वन इन चैट बॉक्स। एक्सरसाइज टू पार्ट वन डाउट। Thank you.
चलो काफी डाउट्स आए हैं एक्सरसाइज टू पार्ट वन. मैं पहले बोर्ड पर लिख लेता हूँ. 30, 22. Nine, 12, 28, 9, 11, 35, 41, 22, 24. चलो यहाँ तक कुछ डाउट्स आए हैं भी. जिस ऑर्डर में मैंने बोर्ड पर लिखे उसी ऑर्डर में मैं सॉल्व करने वाला हूँ. सर आपने 30 और 35 दो बार लिख लिया. ठीक है तो मैं जब करूँगा पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 30. What will be the kinetic energy of photoelectron ejected when photons of this is absorbed by hydrogen atom in third excited state? So energy supplied equal to work function plus kinetic energy. Supplied energy is 13 electron volt. Work function, that is ionization energy in third excited state, 13.6 upon 4 square plus ke. Third excited state ka ionization energy hoga 13.6 n square. Fourth orbit, third excited state, four square से divide किया. Work function, applied energy, KE के लिए solve कर लेना. हमें एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है. पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट. तो सेकंड ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1. नाउ एनर्जी इज गिवन इन दिस केस -1312 अपॉन एन स्क्वायर -1312 अपॉन एन स्क्वायर. सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट एन का वैल्यू रखो. आंसर किलो जूल पर मोल में आ जाएगा क्योंकि वैल्यू किलो जूल पर मोल में दे रखी. नाइंथ क्वेश्चन. E total equal to NHC by lambda. E total is given in the question 10 to the power minus 17 joule. Wavelength is given in the question. उसको nanometer से meter में convert किया. H into C SI unit. तो सब कुछ SI में रखो. Number of photons आ जाएंगे. Planck's quantum theory पे based था 9th question. चलो 9th क्वेश्चन किसका डाउट था.
नाइन्थ वन सर पूजा, समझ में आ गया पूजा भी? यस सर। ट्वेल्थ किसका डाउट था? ट्वेल्थ हमने एनर्जी सप्लाई किए, दैट एनर्जी स्प्लिट्स इनटू टू डिफरेंट फोटोन, फर्स्ट फोटोन सेकंड फोटोन। सप्लाइड एनर्जी जो है उसका वेवलेंथ दे रखा है, वन ऑफ द एमिटेड फोटोन का वेवलेंथ दिया है, सेकंड एमिटेड वेवलेंथ का फोटोन वेवलेंथ कैलकुलेट करना है फोटोन का। एचसी बाय लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, एचसी कैंसिल हो गया, लैम्डा 2 दैट वी नीड टू फाइंड आउट, लैम्डा इज गिवन, लैम्डा 1 इज गिवन, एलसीएम लो, सॉल्व कर लो इनवर्स करके, क्लियर। तो 12 क्वेश्चन में हमें लैम्डा दे रखा है 300 नैनोमीटर और ये दे रखा है 400 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में ही चलने देना, ऑप्शंस नैनोमीटर में ही दे रखे, इसको 300 इसको 400 रखना, सॉल्व कर देना। चलो 28 क्वेश्चन, हमें 4 केसेस दे रखे हैं, हमें पूछा है इसमें से रेड कलर कौन सा होगा, रेड हैज मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी अब तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है जो भी डायग्राम है, द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी विल बी देयर व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम 3 to 2, डेफिनेटली 4 to 1 ज्यादा एनर्जी होगा, 3 to 1 ज्यादा होगा, 2 to 1 होता है 10.2, 3 to 2 होता है 1.89, तो जो भी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम एनर्जी वो रिपोर्ट कर दिया आंसर 3 to 2। एनर्जी डायग्राम पे बेस्ड था 28 क्वेश्चन। 11th में फॉलिंग वेवलेंथ लैम्डा है, काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन फॉलिंग वेवलेंथ ऑन द सेम सरफेस इज लैम्डा बाय 3, काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इन बोथ द केस जस्ट द वर्क फंक्शन इज सेम, काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग इफ वी चेंज द फॉलिंग वेवलेंथ। सो दो इक्वेशन लिखे, दो वेरिएबल है पाई ए लैम्डा, पाई के लिए सॉल्व करना है, दोनों का रेशियो ले लो, एच सी बाय लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 3 वाला फैक्टर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5+4 अपॉन 5+4, 5 के लिए सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.5 आ। हर्षल 28 क्लियर है? हर्षल का 28 था, दिशा का था 11। रिस्पॉन्ड तो करो, क्लियर है नहीं है, यस नो, चैट बॉक्स में कुछ लिखो,
हर्षल एंड दिशा सर सलोनी क्वेश्चन नंबर 35 देखो 35 में लैम्डा होता है h अपॉन mb, लैम्डा 1 h अपॉन m1 v1, लैम्डा 2 h अपॉन m2 v2, h कैंसिल हो जाएगा, हमें फर्स्ट का वेवलेंथ दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, सेकंड दैट यू नीड टू फाइंड आउट m1 v1 ले लो 100 into 100, वो परसेंटेज में ना इससे तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ले लो 1 100 110 10, ये इसका 25% है मास, तो वेलोसिटी 75%, तो यहाँ पे 25 और 75 क्या लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करना है 4 3 4, सो लैम्डा 2 आ जाएगा तुम्हारा 4 × 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5.33 एंगस्ट्रॉम, सेकंड ऑप्शन 35, इज दैट ओके सलोनी? यस सर। हाँ महक, अनम्यूट करो महक। यस सर। व्हेन देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी, किस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट नहीं होगा? देखना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये एक एनर्जी लेवल है, मैं यहां से यहां पे गया, फर्स्ट केस, सेकंड केस में यहां से यहां पे गया, थर्ड केस में यहां से यहां पे गया, क्या लगता है तीनों केस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन एमिशन कब नहीं होगा? सेम लेवल पर, हायर लेवल, लोअर लेवल। So, when we are exciting electron or we are the transition takes place in the same energy level, so वहाँ पे energy ना absorb होगा ना emit होगा। तो इसमें कौन सा option दिखता है 41 में जिसमें ना energy, same energy level है दोनों का? क्या 3p3s का same energy होता है? No। 3d3d का? No। 3d3d तो दोनों तो same ही हो गए ना second option में, 3d3d। सेकंड ऑप्शन, अच्छा इसमें हाइड्रोजन दे रखा है, ओके हाइड्रोजन के लिए तो बोर, हाइड्रोजन के लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन नंबर ऑफ शेल नॉट एल, हाइड्रोजन के लिए बोर थ्योरी ज्यादा एप्लीकेबल है, चाहो तो लिख लो ना इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा, सबका एन 3333 है, तो नो एनर्जी इन्वॉल्वड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है
for hydrogen and hydrogen like atom, energy depends only on n, not l. सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, एजीमुथल पर डिपेंड नहीं करेगा. क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग 3s, 3p, तीनों का एनर्जी सेम होगा. ये एज अ स्टेटमेंट लिखना है लेक्चर नोट्स में, लेक्चर नोट्स में लिखना है ना, नोट करके सबसे लास्ट में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलो 41 के बाद में 40 और 37 कर रहा हूं, सेम पेज पर है. क्वेश्चन नंबर 40, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 किसका डाउट था? पूजा का. डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100 इज 2%. सो पहले डेल्टा वी का लो, वेलोसिटी इज गिवन 45, 0.9 आएगा. डेल्टा एक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, 8 अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी. 4 पाई मास को सिर्फ केजी में रखना है, एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट. 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया और ये मीटर पर सेकंड में था ऑलरेडी, 0.9. सॉल्व कर लेना इसके बाद. हो जाएगा पूजा इसके बाद वो? यस सर, हो जाएगा. थर्टी सेवन डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी दे रखा है. तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो ना, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा. फॉर इलेक्ट्रॉन अंडर रूट 150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम इलेक्ट्रॉन के लिए. सॉल्व कर लेना, 37 डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसके बाद है 24. हमें काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करना है. ठीक है, ए नॉट इज बोर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. अब इसमें मास तो दिया है बट वेलोसिटी नहीं है, उसे रिप्लेस कर दो. mvr इक्वल टू nh बाय 2π. ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ h, सो इट इज बेटर टू रिप्लेस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ दिस. वेलोसिटी को लिख दो nh अपॉन 2π mr. जब रिप्लेस करोगे, पहले यहां पर इसका भी वैल्यू लिख देते हैं, v इक्वल टू n, कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट. तो n का वैल्यू 2, h एज इट इज 2π, मास एज इट इज, r को लिख दो r नॉट n स्क्वायर बाय z, r नॉट n स्क्वायर बाय z. तो n इज सेकेंड ऑर्बिट, 2 स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए z 1. ये 2 कैंसल हो गया, हमारे पास बचा h अपॉन
2 square is 4 pi m r naught. r naught को उन्होंने a naught लिखा है बस. इस वेलोसिटी को यहां पे रखो, आंसर मैच कर जाएगा. ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, एक और 2 32, एक मास कैंसिल हो जाएगा. चेक कर लेना, आंसर 32 वाला सी ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन फॉर 24th क्वेश्चन. Then 17th and 18th. चलो 17 किसका राउट था? क्वेश्चन नंबर 17. साक्षी, साक्षी डाउट था ना 17? हाँ सर. एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम एनर्जी डायग्राम -1.51 z² सेकंड ऑर्बिट -3.4 z². The difference is given in the question 47.2. Z के लिए सॉल्व करना, डिवाइड करना, roughly 25 आएगा, अंडर रूट लोगे 5 आएगा. Is it okay? Yes sir. तन्मय का डाउट था 18. Energy of helium plus is given. Ionization energy of helium plus is given. You need to determine energy for the Li2 plus in first orbit. चलो इसका फॉर्मूला है -13.6 z²-n² इसका फॉर्मूला है +13.6 z²/n² लेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है आयनाइजेशन के लिए. इसको कुछ यूनिट्स में दे रखा है, इसको सॉल्व करना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. आंसर जिस यूनिट्स में दे रखा है उसमें आ जाएगा. एक इंफॉर्मेशन दी है, दूसरा कैलकुलेट करना है, रेशो दे दो, हो जाएगा. तन्मय अभी ये क्वेश्चन ओके सर. चलो पहले मैं एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. यस और प्रेजेंट बोलते जाना. एम बी अटेंडेंस.
टुडे इज 15 अभिषेक जाधव सर रिकॉर्डिंग बंद कर लो ना।